रहे हैं satyahindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में वोटिंग जारी है, हालांकि कुछ राज्यों में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंटकी, इंडियाना, साउथ कैरोलिना, वर्मोंट, वर्जीनिया और अहम बैटल ग्राउंड स्टेट यानी जॉर्जिया में वोटिंग समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि जॉर्जिया उन 7 राज्यों में से एक है जो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इसके अलावा शुरुआती एग्जिट पोल में जिन लोगों से पूछा गया है उनमें से लगभग 3/4 का कहना है कि उन्हें लगता है कि अमेरिका में लोकतंत्र बहुत या कुछ हद तक खतरे में है। लगभग 10 में से 7 वोटर चुनावी नतीजों से जुड़ी हिंसा की आशंका जता रहे हैं। शुरुआती एग्जिट पोल के मुताबिक लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था इस चुनाव में वोटरों के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं। साथ ही बता दें कि अमेरिका में एग्जिट पोल सीधे चुनाव के नतीजों का अनुमान नहीं लगाते, बल्कि ये दिखाते हैं कि वोटर आखिर किन वजहों से वोट डाल रहा है और वोटरों की राय क्या है। इसे उम्र, लिंग, शिक्षा और दूसरे पैमानों पर बांटा जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शुरुआती प्रोजेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने गृह राज्य फ्लोरिडा में जीत गए हैं। और फ्लोरिडा के अलावा अब तक जिन राज्यों में ट्रंप की जीत का प्रोजेक्शन है उनमें अल्बामा, मिसौरी, ओक्लाहोमा, टेनेसी, टेक्सास, व्योमिंग, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा और साउथ कैरोलिना शामिल हैं। वहीं कमला हैरिस की जीत का प्रोजेक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, रोड आइलैंड, डेलावेयर और मैसाचुसेट्स जैसे राज्यों में है। आपको बता दें कि जीत के सारे प्रोजेक्शन उम्मीदों के मुताबिक हैं। इन राज्यों के नतीजे पहले के चुनावों में भी ऐसे ही रहे हैं। गुजरात के आणंद के वासत में बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जा रहे ट्रैक का निर्माणाधीन पुल कल सोमवार को गिर गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा और कुछ खंभे ढह गए और कम से कम 4 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। ANI के अनुसार बचाव कार्य जारी है। आणंद पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं समाचार एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अब सामने आ रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक 3 श्रमिकों की मौत हो गई है। यह जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद में जाति जनगणना पर एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जातिगत भेदभाव की अवधारणा है, आइए हम इसे मापें और इस देश में हर किसी को बताएं कि यह भेदभाव कितना है। राहुल ने कहा कि बस इतना ही, जैसे ही मैं यह कहता हूं तो भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री अचानक कहने लगते हैं कि मैं देश को बांट रहा हूं। उन्होंने पूछा कि कब से सच को उजागर करना देश को बांटना हो गया। हैदराबाद में जाति जनगणना पर हुई बैठक में राहुल गांधी के भाग लेने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने कहा कि जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी की सुविधाजनक और गणनात्मक चिंता न केवल बेईमानी है बल्कि यह मगरमच्छ के आंसुओं की तरह दिखावटी और झूठी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वह सामाजिक न्याय के महत्व के बारे में झूठे उपदेश देते हैं, लेकिन वह दूसरों के लिए जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। वास्तव में राहुल गांधी के कार्य सामाजिक न्याय के सिद्धांत के पूर्ण विरोधाभास में है। सुप्रीम कोर्ट के UP बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये फटकार कोई नई नहीं है, अभी तक के कार्यकाल को देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को पड़ी है। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार ने अभी तक जितने भी असंवैधानिक फैसले लिए हैं वो सब रद्द होने चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को गलत करार दिया है जिसमें UP मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में शिक्षा के मानदंडों को तय करने के लिए नियम बना सकती है और मदरसों में कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इस वजह से उन्हें रोका नहीं जा सकता है। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने 72 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ी थी जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उन्हें बिहार की स्वर कोकिला भी कहा जाता था। शारदा सिन्हा ने तमाम छठ गीतों को अपनी आवाज़ दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
आज बुधवार को पटना में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोक गीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की भी गूंज सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिखा कि अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। छठ के त्योहार में हर ओर गूंजते उनके गीत श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे। शारदा जी अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज बुधवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा घोटाले में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश होंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए अपने आवास से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कल मंगलवार को सिद्धरमैया ने कहा था कि मैं कल मैसूर लोकायुक्त पुलिस के सामने जाऊंगा, उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। गाजियाबाद में बार एसोसिएशनों ने जिला न्यायाधीश की अदालत में उनके खिलाफ हाल ही में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अलग अलग धरना दिया और इस तरह शहर के अधिवक्ताओं की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। PTI के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ने बताया कि हड़ताल के कारण जिला अदालत में आने वाले वादियों को चक्कर लगाना पड़ा और लगभग 12,000 मामले स्थगित हो गए। मुंबई में एक विशेष NIA अदालत ने मंगलवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भाजपा नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही में उपस्थित न होने पर जमानती वारंट जारी किया है। विशेष न्यायाधीश AK लाहौटी ने ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी करते हुए कहा कि अंतिम बहस चल रही थी और आरोपी की उपस्थिति आवश्यक है। वारंट 13 नवंबर तक वापस करने योग्य है, यानी कि प्रज्ञा ठाकुर को तब तक अदालत के सामने पेश होना होगा और इसे रद्द कराना होगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने रात के समय उत्तरी कश्मीर जिले के लोलाब के मार्गी इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हो गया और गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी जारी है और तलाशी अभियान भी जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए satyahindi.com के साथ।